जाहिर तौर पे जी हमारा जो मैंडेट है वो तीन तरह का है। एक तो है ड्रग डिमांड रिडक्शन है, ड्रग रिडक्शन है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन। हम पिछले दिनों में देखा है कि हमने जो रवायती तरीके हैं उनसे हट के हमने काम किए हैं। टारगेट ज़्यादा था वो एरिया था जो कि मैदानी इलाका है, ज़मीनी इलाका है। अभी माशाल्लाह आप देखें कि बलूचिस्तान में बहुत काम किया है और कोस्ट लाइन के साथ हमने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो कि बिल्कुल ही पहले आउट ऑफ बाउंड एरिया था, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है। अभी रिकवरीज की हैं बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो हमारी रिकवरी है डिफरेंट किस्म की ड्रग्स की, वो पिछले साल की नस्बत ऑलमोस्ट डबल हुई है हमारी साल रिकवरी जो है। फिर जो डिफरेंट जो स्मगलर्स थे वो अभी अपना पैटर्न तब्दील कर रहे थे, उन्होंने जो डिलीवरी करने वाली कंपनीज होती हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसमें हमने तकरीबन 53 केजीज़ के करीब ड्रग्स को पकड़ा जिसमें कि हेरोइन भी शामिल थी और आइस भी थी और चरस भी थी, वो किया है। अभी हमने बड़ी एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाने की कोशिश की है जिसमें कि हमने जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मैनेजमेंट को, उनके असातिज़ा को, उनकी ट्रेनिंग करानी शुरू की है हमने और उनको इन्वॉल्व किया है। और यहाँ पे इन इलाकों में जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं वहाँ पे हमारे जो ऑपरेशंस के लोग हैं वो मोटर बाइक्स के ऊपर वहाँ पे जो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, और एक उनके साथ कम्युनिकेशन भी साथ साथ दिया कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है बजाय इसके कि वो फ़ोन पे किसी और से रब्ता करें, जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनके साथ वो रब्ता करके अगर कोई लोग बेच रहे हैं मंशियात तो उनके ख़िलाफ़ मौके पर एक्शन हो। कि बच्चे नॉर्मली जो शुरू करते हैं ड्रग्स को वो इस तरह से करते हैं कि वह समझते हैं कि एक दफ़ा वो करेंगे और उसके बाद वो जब मर्जी छोड़ देंगे, उनको इसके ख़तरे का एहसास ही नहीं होता कि एक दफ़ा जो आजकल स्पेशली आइस आ रही है बड़ा इंतहाई ख़तरनाक नशा है, 200 टाइम्स मोर यू नो एडिक्टिव देन हेरोइन, एक दफ़ा अगर कोई शुरू कर लेता है बजाय तो उसकी उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को सिलसिले में हम उनको रियलाइज करवा रहे हैं कि भाई आपने ये काम करना है, आपने इस तरह से चलना है चीज़ों को। वालदैन को भी एक तो हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, दूसरा जो हम असातिज़ा को और एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल को इंगेज कर रहे थे, हमने स्कूल की जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो भी जहाँ पे हमारी गैदरिंग होती है, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को ये रिक्वेस्ट करें कि वो वालदैन को भी वहाँ पर लेकर आएँ। और इस वालदैन में के आने में फ़ायदा ये होता है कि उनको भी हम साथ साथ सैनिटाइज कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये स्प्रेड है और बच्चों को किस तरह से हम इस चीज़ों से हौसला शिक्षा कर सकते हैं।